बुलंदशहर से रिशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शिकारपुर, कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेसकर्ताओं ने शिकारपुर नगर में पदयात्रा निकाली और केंद्र सरकार से कृषि बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की। बुधवार को शिकारपुर तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पदयात्रा शिकारपुर तहसील से प्रारंभ होकर चैनपुरा, बड़ा बाजार, खुरजारदा, शिकारपुर नगर पालिका परिषद में महात्मा गांधी पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदयात्रा के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष गांधी ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का विकास किया, सर्व समाज का हित और सम्मान कांग्रेस में निहित है। रेखा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों, मजदूरों समेत अन्य वर्गों की हितेशी रही है। इस दौरान मुनीर अकबर, हरिओम, नन्ने, मोनू शर्मा, विपुल शर्मा, प्रदीप, संजू शर्मा, नवनीत, मानवेंद्र शर्मा, कैप्टन अनोखी लाल शर्मा, शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वाइट स्थापना दिवस मनाया है कांग्रेस पार्टी ने और पूरे भारत में ये 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हर तहसील, हर जिले पर मनाया गया है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम 3 दिन तक चला है पूरे भारत में। मैं सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी मंडी तक गांधी पार्क डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क वगैरह लगा के और काफी ध्यान रखा इस चीज का।